हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं होता है, उनका मन एक सा नहीं होता है, उनका स्वभाव उनके विचार एक जैसा नहीं होता है। एक परिवार के भीतर ही हम देखेंगे, पिता के समान शायद बच्चे हो नहीं सकते हैं और बच्चों के समान शायद पिता नहीं हो सकते हैं। हमारे संग जन्म लिए हुए हमारे भाई बहन हो सकते हैं या फिर हमारे जीवन साथी हो सकते हैं। हम सबका मन एक जैसा नहीं हो सकता है, हम सब भिन्न भिन्न होते हैं। कभी पिता अच्छे होते हैं तो बच्चे अच्छे नहीं होते, खराब हो जाते हैं। कभी पिता अच्छे नहीं होते भी खराब होते हैं, लेकिन उनके बच्चे अच्छे निकलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मन अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके विचार अलग है, उसके स्वभाव अलग है। हालांकि कभी ऐसा हो सकता है पिता के जैसे संतान हो सकते हैं और उनके जीवन साथी की भी मन भी एक वैसे हो सकती हैं। लेकिन साधारणतः उससे अगर देखेंगे घर में जितने लोग हैं उन सब के विचार थोड़े बहुत अलग होते हैं, कभी कभी तो बहुत ही भिन्न हो जाते हैं। आए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते सब हम देखेंगे किस तरह से एक पिता का मन और उसके संतान का मन एक जैसा नहीं होता है। पिता वैसे पहले तो बहुत अच्छे थे लेकिन बाद में उनका मन भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन उनके जो संतान है अपने पिता के अनुसार नहीं चलते हैं, उनसे भिन्न चलते हैं, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसे मूल्य हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं और कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो अच्छे लगे हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो बुरे लगे हैं। उन सब के आधार पर उन्होंने फैसला किया है कि अपने पिता के समान नहीं चलेंगे, उनकी इच्छा के विरोध में चलेंगे। हमारे बीते हुए अध्ययन में हमने देखा था एक गीत किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन को अंत कर देता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, इसराइल के राजा शाऊल हैं। जब दाऊद ने फिलिस्ती गुलियात को खत्म कर दिया था, उसे मार दिया था, फिलिस्तीन के ऊपर इसराइल ने विजय प्राप्त किया था, नगर के सारे स्त्रियां डफ बजाते हुए और तिहोनी बजाते हुए नाचते हुए गाते हुए राजा शाऊल का स्वागत करने और दाऊद का स्वागत करने निकले थे। उस समय उन्होंने गीत गाया था, शाऊल ने तो हजारों को मारा है परंतु दाऊद ने तो लाखों को मारा है। इस एक शब्द ने शाऊल के भीतर ईर्ष्या को लेकर आया, गुस्सा को लेकर आया, दाऊद के प्रति बैर को लेकर आया, नफरत को लेकर आया, और वह दाऊद को मारने के लिए घात लगाया हुआ था। शाऊल का बेटा योनातन होता है जिसके बारे में हमने देखा है, वह दाऊद से अपने प्राण के बराबर प्रीति रखने लगा है, उसे प्रेम करने लगा है, उसे चाहने लगा है। योनातन का मन दाऊद से लग चुका है, न केवल योनातन का मन वरन योनातन की बहन मिकाल अर्थात शाऊल की छोटी बेटी का भी मन दाऊद से लग चुका है। वे दोनों से प्रेम करने लगे हैं, उसे पसंद करने लगे हैं, और योनातन ने अपना बागा उतारा, अपना तलवार निकाला, अपना वस्त्र भी उसे दे दिया था, अपना सब कुछ यहाँ तक एक कटिबंध भी उसे पहना दिया था। शाऊल को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी हैं। शाऊल अभी दाऊद को मारने की कोशिश किया था, दो बार उसने प्रयास किया लेकिन दोनों ही बार दाऊद उसके भाले से बच निकलता है। वचनों का पठन करके हमारे अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करेंगे, शाऊल की तरह अगर हमारा मन है भ्रष्ट हो चुका है, घृणा से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है, वो किसी का घात करना चाहता है, किसी का नुकसान करना चाहता है, किसी को बर्बाद करना चाहता है, किसी को तबाह करना चाहता है, किसी को सत्यानाश करना चाहता है, ऐसा अगर हमारा मन हो तो परमेश्वर आज ही हम सबको बदलने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, शाऊल का जैसा मन न होते हुए योनातन की मन परमेश्वर हमें प्रदान करने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए, धार्मिकता से चलने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, सही स्वभाव से चलने के लिए, क्या सही है क्या गलत है उसे परखते हुए सही का साथ देकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मन प्रदान करने के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखकर हमारे भीतर एक अच्छे परिवर्तन के लिए, एक नई परिवर्तन के लिए, एक रूपांतरण के लिए परमेश्वर का मन हमारे भीतर हो, ऐसे सुबह हमारे पास भी हो, खुदा से मिलकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपकी कृपा सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। आपकी दिव्य महिमा में प्रभु जी हम अपने आप को देखते हैं। एक अद्भुत सा दिन परमेश्वर हमारे जीवन में अपने सौभाग्य के रूप में दिया है ताकि प्रभु हम बदल जाए, हम सुधर जाए, प्रभु आपकी महिमा को देख सके, आपकी जैसा हम लोग चल सके। हमारे भीतर परमेश्वर का शाऊल के जैसे गुण है, ऐसे स्वभाव है, ऐसे विचार हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें परखने के लिए, हमें जांचने के लिए, हमें एहसास दिलाकर प्रभु जो बातें की उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आपकी परख से, आपकी जान से परमेश्वर जो कुछ भी आपको मिलता है उन्हें प्रभु जी दूर करने के लिए, हमें रूपांतरण करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, आपका मन हमें प्रदान करने के लिए, आपके स्वभाव में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक जन को परमेश्वर छूने के लिए, अपने स्वभाव से भरने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपने मन से भरने के लिए, अपनी ताकत से भरने के लिए, अपनी इच्छाओं से भरने के लिए दुआ करते हैं। आपके जैसा सोच परमेश्वर हर व्यक्ति में हो प्रभु जी, इसलिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सही ज्ञान, सही मन प्रभु जी, आत्मा का अभिषेक के द्वारा प्रभु जी, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा सभी को प्रदान करने के लिए, आपकी समझ में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। किसी की कोई कमजोरी है, कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत है, इस वक्त परमेश्वर ने छूने के लिए, चंगाई से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी संकटों से दूर करने के लिए, विपत्तियों से प्रभु जी ने दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से परमेश्वर, आध्यात्मिक रूप से प्रजन छुटकारा देकर प्रभु जी उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके मन को जानने के लिए, आपके प्रवचन अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पूर्ण ले दीजिए। आत्मा के साथ हमें चलाइए, हमसे बातें कीजिए, स्वर की महिमा के लिए हम सबको उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोध कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में हर इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दशमल का पहला ग्रंथ 19वां अध्याय में चल रहे हैं, उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और योनातान ने दाऊद को बताया कि मेरे पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर अपने पिता के पास खड़े होकर उससे तेरी चर्चा करूँगा, और यदि मुझे कुछ मालूम होगा तो तुझे बताऊंगा। और योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फिलिस्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इसराइलियों को बड़ी जय कराई, इसे देख कर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद का कान मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने। तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये समस्त बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया और वह पहले की नाई उसके सामने रहने लगा। तब फिर लड़ाई होने लगी और दाऊद जाकर फिलिस्ती से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए। और जब शाऊल हाथ में भालाली में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसे मारे कि बाला भेदते हुए भीत में धंस जाए, पर तो दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि बाला जाकर भीत में ही धंस गया। और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। और शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और बिहान को उसे मार डाले। तब दाऊद की श्री मिकाल ने यह कहकर उसे जताया कि यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो बिहान को मारा जाएगा। तब मिकाल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भाग कर बच निकला। तब मिकाल ने गृह देवताओं को लेकर चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिराने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ दिया। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने को भेजे तब वह बोली, वो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद को देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास ले आओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए तब क्या देखते कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिराने पर बकरियों के रोए की तकिया है। तो शाऊल ने मिकाल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया, तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है। मिकाल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं। और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमल जाकर नबायत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में नबायत में है, तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ ले आने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमल ने उनके प्रधानता करते हुए देखा तो परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। वे शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तो वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुँच कर पूछने लगा कि शमल और दाऊद कहाँ है। किसी ने कहा, वे तो रामा के नबूयत में है। तो वह उधर अर्थात रामा के नबूयत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बिछड़ा और वह रामा के नबूयत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से हैं। शमल का पहला ग्रंथ 19वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है, जिसमें सबसे पहली बात हमने देखा है शाऊल अपने कर्मचारियों से और अपने बेटा योनातान से कहते हैं दाऊद को किसी न किसी तरह से मार डालना चाहिए। सभी कर्मचारी सतर्क हो चुके हैं, दाऊद को मारने के लिए घात में लगे हुए हैं। दूसरी बात, शाऊल का बेटा योनातान को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो ना चाहता था उसके पिता कारण से दाऊद को हत्या करे और उसके पाप करे। इसलिए उसने दाऊद से कहा, जहाँ तू रहेगा वहाँ पर मैं आकर अपने पिता से बात करूँगा
और मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे पिता क्या चाहता है। यदि वो तुझे मारना चाहता है मैं बताऊंगा, अगर ऐसा नहीं है तो भी मैं बताऊंगा। शाउल से उसने बातें की हैं। शाउल का मन बदल चुका है और उसने यहोवा की शपथ खाकर अपने बेटे से कहा है, मैं दाऊद को नहीं मारूंगा। और दाऊद को पहले की नाई बिना बजाने के लिए उसके सामने ले आया गया था। जब दाऊद उसके सामने बजाने लगा था, शाउल के हाथ में भाला था। दाऊद अपने हाथ से बजाता चला गया था। परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा का उस पर चढ़ गया था, जिससे शाउल ने ऐसा भाला फेंका कि वह भेदते हुए भीत में धस जाए। पर तो दाऊद शाउल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीती में धस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया था। चौथी बात, शाउल ने दाऊद को पकड़ने के लिए अपने दूत भेजे थे उसे ले आने के लिए कहा था, परंतु उसकी बेटी मीकाल जो दाऊद की पत्नी थी उसे बचाना चाहते थे और उसे उसने खिड़की में से उतार दिया और भागने के लिए कहा। दाऊद की जगह पर उसने बिस्तर पर गोतर्दों को रखा है। उसके तकिए की जगह पर उसने बकरी को रोम रखे हुए उसे चद्दर से ओढ़ दिया था। शाउल ने जब अपना दूत भेजा था तब मीकाल ने कहा कि वो बीमार है, लेकिन शाउल ने अपने दूतों से कहा उसे मेरे सामने लेकर आओ, चारपाई के साथ उठाकर लेकर आओ ताकि मैं उसे मार डालूं। शाउल के दूतों ने दाऊद समझकर उस चारपाई को उठाकर जब शाउल के सामने रखा था तो शाउल ने क्या देखा कि उसके साथ में धोखा हुआ है। मीकाल ने दाऊद की जगह गुरुदेवताओं पर रखकर चद्दर ओढ़ दिया था, बकरी के रोए को रख दिया था। यह देखकर शाउल ने उससे कहा, तूने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया है? मेरे शत्रु को तूने प्राण से क्यों जाने दिया? पांचवी बात, दाऊद अपने प्राण को बचाकर रावा में शमल के पास जाता है। शमल और दाऊद दोनों मिलकर नबायोत को जाते हैं और वहां पर वे दोनों नबूवत करने लगे। जैसे शाउल के दूतों का दल वहां पर पहुंचता है वे भी नबूवत करने लगे हैं। दोबारा शाउल ने एक और दल को भेजा था, उन्होंने भी वैसे ही किया। तीसरी बार शाउल ने तीसरा दल भेजा था, वे भी जाकर नबूवत करने लगे। चौथी बार अपने दल को ना भेजते हुए दाऊद को पकड़ने के लिए शाउल खुद जाता है और जैसे किसी ने कहा कि वो नबायोत में है, वहां पर जाते समय वो अपने वस्त्र निकाल देता है। वह निर्वस्त्र होकर दिगंबर होकर उनके बीच में जाता है। जब शमल दाऊद और शाउल के जितने भी दूत थे वे सब नबूवत करने लगे और शाउल भी नबूवत करने लगा था और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ रहा। इस कारण से ये कहावत चली है कि क्या शाउल भी नबियों में से है। शाउल के जन्म में दो संतान योनातान और मीकाल शाउल जैसा नहीं होते हैं। जब उन्होंने देखा कि दाऊद के साथ में अत्याचार हो रही है, घात हो रही है, अन्याय हो रही है, अकारण से उनके पिता दाऊद को मारना चाहते हैं। वे न केवल दाऊद को बचाना चाहते हैं परंतु अपने पिता को भी ऐसा घोर पाप करने से बचाना चाहते हैं। योनातान और मीकाल के प्रयास थोड़े समय तक तो सफल हुए हैं। शाउल ने जो शपथ खाए थे शपथ को तोड़ दिया है। शाउल अभी भी दाऊद को मारने की कोशिश में है, उसकी घात में है। आगे क्या होता है हमारे अगले दिनों में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को हम किस प्रकार से समाप्त करते हैं। हो सकता है हमारे घर पर हमारे माता पिता हो, या फिर हमारे संगी हो, हमारे जीवन साथी हो, या फिर बाहर हमारे समाज में जिनके साथ हम लोग उठ बैठ करते हैं उनके मन शाउल के जैसा होगा, उनके विचार शाउल के जैसा होगा। अगर हमारा मन हम जिनके साथ उठ बैठ करते हैं शाउल के मन के जैसा है तो सच में आज परमेश्वर के सामने जाकर मीकाल की तरह और योनातान की तरह मन बनाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम उस जगह से हट जाएंगे, अकारण से किसी का घात होने नहीं देंगे, किसी के विरुद्ध में पाप होने नहीं देंगे, उन्हें बचा लेंगे। आइए अपने मनों को जांचने के लिए, परखने के लिए परमेश्वर हम सबको बदल कर एक नई सोच, नए विचार, अपनी धार्मिकता से, अपनी प्रेम से, अपने गुणों से, अपनी ही आत्मा से हम सबको भरने के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे मनों को जांच कर परख कर हम सबको रूपांतरित करने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, शुक्र अदा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उपासना करते हैं, महिमा आपकी करते हैं, गौरव करते हैं। अद्भुत वचन परमेश्वर हमारे पास लेकर आए हैं, हमसे बातें किसके लिए धन्यवाद करते हैं। योनातान का जैसा मन, मीकाल का जैसा मन प्रभु जी हम प्राप्त कर सके ताकि परमेश्वर हमारे कारण से प्रभु किसी और का घात ना हो परंतु उनका भला हो सके। परमेश्वर इस प्रकार से अपनी आत्मा से हमें भर रहे हैं, अपने मन से हमें भर रहे हैं, विचारों से भर रहे हैं, हमें रूपांतरित कर रहे हैं, अपने स्वर की महिमा के लिए आप खड़ा कर इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग प्रभु जी मिलते समय आपके प्रभु अच्छे लक्षणों के साथ में, अच्छे गुणों के साथ में मिलकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने का सौभाग्य हम सबको प्रदान करने के लिए, सजों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। हर गलत विचार को, हर गलत सोच को, हर बुरी योजनाओं को, हर बुरी संकल्पनाओं को अभी इस वक्त परमेश्वर आपसे दूर कर दे। अच्छे विचार, भले विचार, पवित्र पाक और शुद्ध विचार परमेश्वर आप में भरते रहें, अपनी आत्मा से आपको भरे, अपनी अगुवाई में आपको चलाए, अपने स्वर की महिमा के लिए आपको खड़ा करें। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं।
आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।